नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कल रात 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगकर किया। आपको बता दें, प्रिंस का आज राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रिंस ने कहा कि पीएम मोदी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं उनका छोटा भाई हूं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 3 तलाक पर कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित ये अध्यादेश पिछले 1 साल में 3री बार प्रभावी हो रहा है। संसद में पेश विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। आपको बता दें, लोकसभा के भंग होने के साथ ही 3 जून को ये विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश में करीब 11,595 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन के साथ शिलान्यास भी किया। इसके अलावा उन्होंने नमामि गंगे के तहत कई अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए छोटे कारोबारियों से लंच पर मुलाकात के दौरान गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े कारोबारियों को धन उपलब्ध करा रही है। भारत 7 से 8% की विकास दर से प्रगति कर रहा है, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? आपको बता दें, अपनी बात राहुल के साथ कार्यक्रम के तहत गांधी समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं। 2019 ऑस्कर अवार्ड के 91वें संस्करण का आयोजन 24 फरवरी को होने जा रहा है। इस बार दुनिया भर की चुनिंदा फिल्में अवार्ड जीतने की रेस में हैं, लेकिन इनमें एक फिल्म के साथ हिंदुस्तान का खास कनेक्शन है। ये फिल्म है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। फिल्म का नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में हुआ है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com। आज सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया की याचिका पर अनिल को अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अनिल से सख्त लहजे में कहा कि एरिक्सन इंडिया को 4 हफ्ते के भीतर 453 करोड़ रुपए की बकाया राशि दी जाए। समय सीमा के अंदर पैसे नहीं चुकाने पर 3 महीने की जेल की सजा दी जाएगी। बेंगलुरु में आयोजित एयर शो में आज राफेल ने अपनी ताकत दिखाई। राफेल के उड़ते ही वहां मौजूद दर्शकों ने तालियों से उसका स्वागत किया। राफेल के साथ सुखोई 30 ने भी उड़ान भरी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। गठबंधन की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, तमिलनाडु के सीएम पलानी सामी और उप मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम की मौजूदगी में की गई। आपको बता दें, AIDMK और बीजेपी तमिलनाडु में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनावों में बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय लगातार अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म अब तक 80 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। इसी के साथ ये 2019 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर भी बन गई है। आपको बता दें, ये रणवीर के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है। गली बॉय वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई थी। राष्ट्र सेवा मिशन की ओर से पुलवामा में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर राष्ट्र सेवा मिशन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com।